फतेहपुर परिसर के अंदर 68 पुलिस आवासों का मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया लोकार्पण। शिवपुरी से खबर है जहां आज देश बदल रहा है और देश बदल रहा है तो मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। आज से 17 साल सरकार बनने से पहले शिवपुरी का अगर व्यापारी पोहरी चला जाए और रात को वापस ना आए तो पूरा का पूरा घर इंतजार करता था, खाना नहीं खा पाता था, इतनी डाकुओं की गैंग थी शिवपुरी में। भाजपा की सरकार आने से पहले तक हमारा ग्वालियर चंबल अंचल बदनाम हो गया था। राम बाबू दयाराम के किस्से सुनाई पड़ते थे, हमारी तरफ चले जाएं तो हन्नी आ जाते थे, बीच में आ जाएं तो हजरत आ जाते थे, पूरा इलाका कहीं ना कहीं गैंगों के मूवमेंटों में रहता था। लेकिन वर्तमान में एक शांति का टापू है, एक भी चिन्हित गैंग हमारे इलाके में नहीं है। पिछले 2 साल में 84 लाख रुपए के नक्सली हमने पिछले 2 साल में मार दिए या हाजिर करा लिए। यह बात गृह जेल संसदीय कार्य विधि विधायी कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी शहर के फतेहपुर परिसर के अंदर 68 पुलिस आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। हुई है और अभी हमारे पास केवल 773 क्वार्टर्स की और आवश्यकता है, लेकिन एक बड़ी जो अर्जेंट नीड थी वो हमारी फुलफिल हुई है। इसमें तीनों तरह की हमारे क्वार्टर्स बने हैं सर, इसमें जीओस के भी 8 क्वार्टर्स हैं जो हमारे जिले में जो राजपत्रित अधिकारी हैं उन पे हमारी डिपेंडेंसी अब किसी पे नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का एक पूरा ब्लॉक टावर बना हुआ है उनका सर। एनजीओ के 12 क्वार्टर्स हैं और करीबन 48 क्वार्टर हमारे इनके कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और निश्चित तौर पर हम आपके इस प्रोत्साहन के लिए, आपने जो हमको आशीर्वाद दिया है इसके लिए बहुत हम आभारी हैं। जहाँ तक आदरणीय मंत्री जी का आशीर्वाद है, यह हमेशा शिवपुरी पुलिस के साथ रहा है और सर के लगातार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब भी कोई चुनौती आती है तो हम देखते हैं कि आदरणीय सर का जो एक बुलंद तरीका है सामना करने का चुनौतियों का, वो हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शक रहा है। सर की जो मंशा है कि जनता की पुलिस हो और जनता के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक विश्वास का वातावरण होना चाहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और आपके आशीर्वाद से काफ़ी सारा हमने पुलिस के वेलफेयर के लिए यहाँ काम करवाया है। मैं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय गृहमंत्री महोदय आदरणीय नरोत्तम मिश्रा साहब, मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, दतिया से भी पधारे हुए हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, जिला शिवपुरी के कलेक्टर श्री सिंह साहब, एसपी शिवपुरी राजेश चंदेल जी, मीडिया के सभी बंधु और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे पुलिस विभाग के सभी साथी और इस पुलिस हाउसिंग के सुंदर कैंपस को निर्मित करने वाले जो हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, अधिकारी कर्मचारी साथियों, हम सबको हमेशा ये एहसास होता रहा है कि गृहमंत्री जी हमारे जिले को उतना ही स्नेह रखते हैं जैसे वो अपने गृह जिले को रखते हैं। हम लोगों ने पूरे कोरोना कार्यकाल में पूरे क्राइसिस के समय उनको अपने बहुत करीब पाया, जब हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई आती रही और अपनी तरफ से भी उन्होंने हमेशा शिवपुरी जिले के अधिकारियों को लूप में रखा, नेटवर्क में रखा, उसके लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और इस विशेष स्नेह के लिए, शिवपुरी जिले से विशेष स्नेह के लिए उनके प्रति बार बार आभार प्रकट करते हैं और बाकी सामान्य जन का भी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। राम बाबू दयाराम के किस्से सुनाई पड़ते थे, हमारी तरफ चले जाए तो हन्नी आ जाते थे, बीच में आ जाए तो हजरत आ जाते थे, पूरा इलाका कहीं ना कहीं से मूवमेंट के अंदर, गैंगों के मूवमेंट के अंदर रहता था। आज आपको इतने सारे मैंने नाम गिनाए, ऐसा नहीं कि यहीं पे आप आखिरी तक चले जाओ, हमारा बिंद का इलाका जो ठोकिया नाम हुआ करता था उसका, वहां तक एक भी डाकू गैंग पूरे मध्य प्रदेश में आज की तारीख में नहीं। हम बालाघाट चले जाते थे, बालाघाट में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उनके परिवहन मंत्री थे लिखीराम कांवरे जी, घर में घुस के नक्सलियों ने उनको मार दिया, मंत्री को।
हमारे पड़ोस के राज्य में नक्सली गतिविधि है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में हम उसको सर नहीं उठाने दे रहे। 84 लाख रुपए के नक्सली हमने पिछले 2 साल में या तो मार दिए या हाजिर करा लिए। नक्सली मूवमेंट अपने नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा मालवा अंचल था जहां सिमी का नेटवर्क था। ये सिमी के नेटवर्क